तो आज हम लोग मैथ को पिछले 3 दिन से क्लास ले रहे हैं, तो आज से हम लोग फिजिक्स को भी इसमें इंक्लूड करेंगे। फिजिक्स वैसे बुधवार के रूटीन के हिसाब से केमिस्ट्री होना चाहिए, तो ये धीरे धीरे आने वाले समय में रूटीन एडजस्ट हो जाएगा। तो फिजिक्स में हमने पहला चैप्टर जो है वैसे समाप्त कर दिए थे थ्योरिटिकल क्लास 10th बिहार बोर्ड। तो फिजिक्स का क्लास 10th का ये एक्सरसाइज पहला है जिसमें हम लोग परावर्तन के विषय में जानेंगे और दर्पण सूत्र जो है, फोकस सूत्र, ये सब हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। समय आएगा तो उसको भी धीरे धीरे सिद्ध किया जाएगा। तो आज हम लोग जो मूल रूप से जानेंगे वो है न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल के विषय में पहले थोड़ा सा समझ लें कि अगर साइंस में कैरियर बनाना है तो साइंस में कैरियर बनाने के लिए न्यूमेरिकल का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिजिक्स और मैथ ही लेकर के आगे बढ़ने से इंजीनियरिंग किया जा सकता है। तो उसके लिए अगर हम लोग भविष्य में IIT करें या फिर पॉलिटेक्निक करें या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाएं, तो वहाँ पर ये न्यूमेरिकल ही बेस बनेगा। तो न्यूमेरिकल को पूरा जो है ध्यान रखना है। मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर परीक्षा में 2 प्रश्न के बीच अथवा रहे, मतलब अथवा में प्रश्न रहे, तो थ्योरी वाला प्रश्न और न्यूमेरिकल, तो थ्योरी को वाला प्रश्न को छोड़ देना अगर दोनों का आंसर आता है तो, और न्यूमेरिकल बना लेना, क्योंकि इसमें मार्क्स गेन भी होगा और वो जो है वास्तव में फिजिक्स का जड़ है। तो हम लोगों ने इसमें थ्योरी पढ़ चुका है। न्यूमेरिकल जानने के लिए सबसे पहले इसका कुछ फार्मूला होता है, उसको हम लोग देखेंगे। तो F बराबर R/2 वेयर F इक्वल टू फोकल लेंथ, R इक्वल टू रेडियस, यानी इसको कह सकते हैं फोकस दूरी, और इसको वक्रता त्रिज्या वैसे कहा जाए या त्रिज्या। दूसरा दर्पण सूत्र 1/v + 1/u = 1/f, जहाँ भी प्रतिबिंब की दूरी यो वस्तु की दूरी और एफ फोकस दूरी। तीसरा m = -v/u या h - h। तो यहाँ m क्या है, तो m बराबर आवर्धन, v बराबर प्रतिबिंब की दूरी और u बराबर वस्तु की दूरी, ये हम लोग पहले भी नोट किए हुए हैं, और h - प्रतिबिंब की ऊंचाई, क्योंकि आवर्धन का मतलब ही होता है, और h = वस्तु की ऊंचाई। एक बार फिर से फॉर्मूला को देखें, f = R/2, f का मतलब हो गया फोकस दूरी, वो अवतल दर्पण हो या फिर उत्तल दर्पण हो, फोकस दूरी। R हो गया रेडियस, या फिर जो है इसको वक्रता त्रिज्या भी कहते हैं। 1/v + 1/u = 1/f, यहाँ पर v प्रतिबिंब की दूरी, u वस्तु की दूरी, f फोकस दूरी।
एम बराबर माइनस वी बाई यू या फिर एच डैश बाई एच, जहाँ एम पहले भी है और फिर से लिख दिए हैं कि एम बराबर तो पहले आवर्धन, वी बराबर हो गया प्रतिबिंब की दूरी, यू बराबर हो गया वस्तु की दूरी, एच डैश का मतलब होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और एच का मतलब वस्तु की ऊंचाई। वैसे आवर्धन का जो परिभाषा है वो ये है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपातिक मान को आवर्धन कहते हैं। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपातिक मान को ही आवर्धन कहते हैं। तो इस तरह से ये हम लोग मूल रूप से ये तीन फॉर्मूला लेकर के हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। मैं प्रश्न के बीच में ही और भी बहुत सारा जिक्र करूंगा कि कहाँ माइनस लगेगा, कहाँ प्लस लगेगा और क्यों लगेगा, इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले ये उतार लेने के बाद हम लोग सवाल नोट करें। सवाल है बहुत साधारण सवाल से शुरुआत करते हैं कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। ये प्रारंभ है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन अब तो ये हो जाएगा कि सवाल पढ़ते जाएंगे और उसका सॉल्यूशन मिलता चला जाएगा। तो कह रहा है क्या कि एक गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। तो इस दर्पण की फोकस दूरी निकालना है, फोकस दूरी क्या होगी। बहुत आसान है शुरुआत। सबसे पहले हम लोग देखें कि जैसा जैसा सवाल कहेगा उसका मान लिखना है और उसी आधार पर हम लोग सॉल्यूशन मिले। क्या है सवाल कि एक गोलीय दर्पण है कि वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर। चूंकि गोलीय दर्पण का सिर्फ यहाँ जिक्र किया है, ये नहीं कहा है कि उत्तल दर्पण है या अवतल, तो हम लोग लिखेंगे R बराबर 24 सेंटीमीटर और इसका फोकस दूरी यानी F निकालना है। तो हम लोग फार्मूला जान रहे हैं कि F बराबर R बाय 2 यानी 24 बटा, तो इस तरह से 12 सेंटीमीटर हो गया। तो बड़ा आसान है। अगर इतना ही परीक्षा में ये ऑब्जेक्टिव के रूप में भी रह सकता है कि ऑब्जेक्टिव में रहे और सॉलिड एक नंबर मिलेगा, और पहले तो सिलेबस में ऑब्जेक्टिव नहीं कम था तो उसमें दो नंबर के लिए भी ये पूछ लेता था, 2 मार्क्स के लिए भी। तो इसमें कोई दम है नहीं, कुछ नहीं करना, गोलिए का वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है 24, फोकस दूरी निकालना है, फॉर्मूला पहले से एफ बराबर आर बाय 2 यानी 24 बटा 2 मतलब 12 सेंटीमीटर। अब अगर हम लोग इसी तरह से दूसरा सवाल पे जाते हैं जो दर्पण सूत्र पर आधारित हो तो ज़्यादा समझ पाएंगे। तो वो ये जो दर्पण सूत्र पे आधारित होगा वो सवाल है कि 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के अवतल दर्पण से, प्रश्न संख्या 2, 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर रखी गई एक वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाएं। अब सवाल जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे हम लोग को फिर से आना है। कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से, तो फोकस दूरी दे दिया है F बराबर कितना दिया हुआ है, ये है 15 सेंटीमीटर। चूंकि ये कह क्या रहा है कि अवतल दर्पण है,
तो अवतल दर्पण जो भी होगा, अगर अवतल दर्पण का हम लोग संरचना पढ़ेंगे तो वो सभी जो है ये अवतल दर्पण है। तो फोकस दूरी हो या फिर वक्रता त्रिज्या हो, ये सब इस साइड आएगा इस क्वाड्रेंट में, तो इस कारण से ये क्या होगा, माइनस। उसके अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर रखी एक वस्तु, यानी कि U, U बराबर कितना हो गया, माइनस 60, कि प्रतिबिंब की स्थिति का पता, मतलब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है ये बताना है। फिर से एक बार देखें, बस इतना लिखना सीख जाएंगे सॉल्यूशन। तो वो क्या है कि 15 सेंटीमीटर दूरी पर, दूरी अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, पहले तो ये 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो F बराबर कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। माइनस क्यों हुआ, तो ये अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में फोकस दूरी हो, वक्रता त्रिज्या हो, वस्तु की दूरी हो, ये सभी माइनस में होगा, ये तीनों चीज़ माइनस में होगा। रहा बात प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी भी लगभग माइनस में होगा, लेकिन एक तब जब दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, तब जो है वो क्या होगा, भी का वैल्यू प्लस में आएगा। तो खैर वो आगे सवाल बनाने के दरमियान मैंने पहले भी कहा कि बता दूंगा। तो एक वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाना, तो F फोकस दूरी, फिर क्या कह रहा है, अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई एक वस्तु, मतलब अवतल दर्पण है, इससे 60 सेंटीमीटर पर एक वस्तु रखा गया। तो सोच लेना है कि 15 सेंटीमीटर अगर फोकस दूरी है तो वक्रता त्रिज्या कितना होगा, 15 × 30, चूंकि F बराबर क्या है, R/2। और इसके बाद कह रहा 60 सेंटीमीटर यानी कि दुगनी फोकस, यानी कि वक्रता त्रिज्या से भी दुगना, ये इसका 4 गुना, यहाँ कोई वस्तु रखी है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, ये हम लोग को निकालना है। तो भी का वैल्यू, तो चूंकि 1/V + 1/U = 1/F, अगर हम लोग 1/F - 1/U करें, 1/V = 1/F के जगह -15, फिर बीच में ऑलरेडी माइनस है चूंकि 1/U को उस पर लेके गए, फिर -60, तो ये हो गया 1/-15, माइनस और माइनस प्लस 1/60। अब एलसीएम कितना हो गया, 60 × 15 = 60 + 4 + 1 - 3/60, ये निकल गया 1/V का वैल्यू, 1/V = -3, इसको हम लोग चाहें तो कटा भी सकते हैं, 20 1/20, तो ये 1/20। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो भी का वैल्यू क्या होगा, -20 सेंटीमीटर। तो इस तरह से माइनस में ही ये भी निकला, इसका मतलब हो गया कि प्रतिबिंब भी किधर बन रहा है, वस्तु की ओर ही बन रहा है, तो प्रतिबिंब क्या होगा, काल्पनिक नहीं होगा बल्कि वास्तविक होगा, उल्टा होगा, लेकिन वस्तु से बहुत छोटा होगा। तो इसको हम लोग लिख भी सकते हैं कि प्रतिबिंब कैसा होगा, तो प्रतिबिंब चूंकि V = -20 सेंटीमीटर, तो इसलिए प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनेगा, बहुत छोटा कह सकते हैं, बहुत छोटा बनेगा। हम लोग चाहें तो इसका जो है रूपरेखा भी खींच सकते हैं, जो यहाँ पर बनाना चाह रहे थे ये भी खींच सकते हैं कैसे, तो इस तरह से इसको भी ध्यान से सीख लें कि कह रहा है क्या कि एक उत्तल लेंस, सॉरी अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस का क्या होता है, बाहरी भाग रजतित होता है यानी पेंट किया हुआ, ये M' ये हो गया P ध्रुव, अब ये F मानते हैं, तो इसका दुगुना क्या हो जाएगा, जिसको वक्रता केंद्र भी कहते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को R कहते हैं। अब क्या कह रहा है, ये 15 है ना, 15 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया, 15, अब इससे दुगुना, तो 15 × 15 = 30, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हो गया, 30। अब उसके बाद क्या है कि 60 सेंटीमीटर पे वस्तु रखी हुई है, तो 60 सेंटीमीटर इससे दुगुना यानी यहाँ,
तो यहाँ पर कोई वस्तु रखी और उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो कह रहा है 20 सेंटीमीटर, तो 15 5 20 यानी कि इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा होगा, ये 20 मान लेते हैं, तो प्रतिबिंब ये 15 है, तो यहाँ से यहाँ प्रतिबिंब बनेगा, तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, ओ ए, ये आई बी, तो प्रतिबिंब क्या बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, चूंकि इसी ओर बन रहा है, उल्टा बन रहा है और वस्तु से बहुत छोटा बन रहा है। तो इस तरह से हम लोग देखे ये दूसरा सॉल्यूशन। तो फिजिक्स में हम लोग ये दो प्रश्न का आज सॉल्व किए हैं, इसको हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर फिजिक्स के आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। ध्यान से देखते रहें, घर में रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।